अब N2O3 के प्रॉपर्टीज़ में देखिए आप, ये जो है वेपर फॉर्म जब होता है तो NO प्लस NO2 का कॉम्बिनेशन होता है, और जब इस वेपर को हम कूल करते करते -30 डिग्री सेल्सियस ला देते हैं तो ये ब्लू कलर्ड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन कूलिंग गिव्स ब्लू कलर्ड लिक्विड, तो वो हो जाता है हमारा N2O3, क्योंकि NO एंड NO2 कंडेंस हो गए, और यदि उससे भी नीचे हम टेम्परेचर लेके गए तो फिर तो सॉलिड N2O3 हमें मिलता है। अब हम देखेंगे कि ये जो N2O3 है ये एसिडिक इन नेचर है। देखिए पहला N2O और दूसरा NO, ये दोनों न्यूट्रल थे, लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल थे। अब यदि मान लिए N2O3 को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा नाइट्रस एसिड, इसका मतलब N2O3 इज एसिडिक एंड हाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे पहला मैं ले लेता हूँ एसिडिक इन नेचर, तो यहां से क्या होगा ब्लू लिटमस टू रेड, ये कन्वर्शन हो जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे कि N2O3 है, ये वाटर के अंदर डिजोल्व किए तो यहां से बना 2HNO2, ये है नाइट्रस एसिड। उसी तरह से तो ये हो गया एक एसिडिक नेचर। अब इसी में हम क्या करेंगे, यदि एसिडिक है तो NaOH के साथ इसको रिएक्ट करना है, और NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रस एसिड का जो साल्ट होता है वो नाइट्राइट होता है, वो बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे N2O3 प्लस NaOH, यहाँ से आप बना दीजिए NaNO2 और प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है, 2 कर देंगे, और ऑक्सीजन जो है यहाँ, अच्छा हाइड्रोजन 2 है तो ये बैलेंस है, 4N15 ऑक्सीजन है, 3N2 बिल्कुल बैलेंस है। तो ये बन जाता है सोडियम नाइट्राइड। नेक्स्ट वीडियो में मैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज लूंगा।